हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करेगा और किस लेवल बाई और सेल करना चाहिए। उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि मैं इसी तरीके से आप लोगों के सामने रेगुलर कंटिन्यू एनालिसिस करता रहूं। तो आगे हम देखते हैं, निफ्टी का एनालिसिस हमने कर लिया है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, कल के सेशन में बैंक निफ्टी कैसा रहने वाला है, क्योंकि थर्सडे को मार्केट क्लोज होने के कारण वीकली एक्सपायरी जो है ये वेडनेसडे को होने वाला है। तो वीकली एक्सपायरी के पर्पज से भी कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का जो लेवल होगा क्लोजिंग लेवल कल डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी को कहां तक लेके जाने वाला है। तो बैंक निफ्टी को अच्छा खासा निचले लेवल से रिकवर हुआ है, इसलिए आज थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखा गया और थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप देखा जा रहा है वॉल्यूम, लेकिन लोअर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। शॉर्ट बिल्डअप मीन्स कि 1 लाख शेयर माइनस में ऐड हुए हैं, मतलब शॉर्ट के साइड में हुए हैं, लेकिन एक तरीके से अपॉर्चुनिटी टू बाई है। और किस लेवल पे बाई करना चाहिए कल के सेशन में, तो कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी 25,300 का लेवल ब्रेक करता है तो 25,170, 25,170 और 25,200 के जोन में, 230 के जोन में अगर मिले तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशनल ये है कि HDFC बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि HDFC बैंक का लेवल भी ध्यान रखना होगा। अगर 230 के आसपास बैंक निफ्टी आता है, ओके, HDFC बैंक ऑलरेडी 2000 का लेवल को टच किया है, तो HDFC बैंक का जो लेवल होगा कल के सेशन में, उस केस में 1985 का एक लेवल है, इसके नीचे HDFC ट्रेड नहीं होना चाहिए। और HDFC का ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 2040 अगर HDFC बैंक का लेवल अगर किसी भी कारणवश 1995 के आसपास हो और उस समय 2000 के नीचे और 1985 के बीच में अगर लेवल हो और बैंक निफ्टी 25,230 और 25,170 के बीच में हो, तो वहां पे बैंक निफ्टी को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। और टारगेट जो होगा बैंक निफ्टी का लगभग, एक मिनट, बैंक निफ्टी का जो कल का टारगेट जो होगा वो टारगेट हो सकता है 25,470 और 25,500 अगर उसके ऊपर होल्ड होता है तो हमारा एक मेजर टारगेट होगा 25,550। इस टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को नीचे के लेवल पे बाई किया जा सकता है। एक स्टॉपलॉस जो होगा पोजिशनली, अगर स्टॉपलॉस देखा जाए तो पोजिशनली स्टॉपलॉस जो बैंक निफ्टी का देखा जाएगा 25,220 का जो 30 का जो लेवल है, इसके नीचे पोजिशनली क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो हम और भी नीचे जा सकते हैं, इसलिए एक मेजर सपोर्ट 25,230 25,170 और लास्ट सपोर्ट जो है 25,000 के आसपास का है। 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर, उसके नीचे ब्रेक होता है तो मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में चला जाएगा शॉर्ट टर्म के पीरियड से। लेकिन चांसेज ये है कि बैंक निफ्टी अगर किसी भी कारणवश 25,600 के लेवल को टच करता है, गैप अप खुले 25,600 के आसपास, 25,550 के आसपास, तो 25,600 के आसपास उसको थोड़ा सा HDFC की 2030 के आसपास का हाई बन जाता है, तो वहां पे शॉर्ट साइड पोजीशन लिया जा सकता है 200-250 पॉइंट के लिए। लेकिन थोड़ा सा ट्रेड इन मार्केट आवर में देखना होगा, अगर कुछ ऐसा पैटर्न चेंजेज होगा तो मैं लाइव मार्केट में भी ज्वाइन करूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊंगा तो मैं आप लोगों को ये आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर कोई व्यू चेंज होगा लाइव मार्केट में तो मैं कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में आकर के एनालिसिस करने के लिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और कोई भी कमेंट हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। 9:30 में मैं लाइव आ करके आप लोगों के स्टॉक पे चर्चा पे स्टडी करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से यहाँ से अलविदा बोलते हैं और गुड इवनिंग, और इसी तरीके से ट्रेड करते रहिए और चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।